मज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदांतिकम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नियानंद श्री अद्वैत जगदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे तो कल के दिवस में हमने सेवा और गर्व इसके बारे में चर्चा की कि कैसे महान और बड़ी सेवा करने के बाद हमें उस सेवा करने के लिए गर्व होता है और सेवा के फल से हम वंचित रहते हैं आज हम सेवा और आलस्य इसके बारे में चर्चा करेंगे भौतिक दुनिया में खास करके कलयुग में आलस्य जाड्य ये बहुत प्रधान है हर क्रिया में हर कार्य में हम आलस्य का अनुभव करते हैं अपने जीवन में करते हैं और दूसरे के बारे में भी करते हैं किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं है कुछ करने के लिए जैसे हमारे पंखा और एयर कंडीशन में रिमोट आ गया है क्यों आ गया वो रिमोट क्योंकि तो हम अपने जगह से उठना नहीं चाहते वहीं बैठ के उसको छोटा बड़ा करना चाहते तो आलस्य कलयुग के समय का एक प्रधान दुर्गुण है और वो दुर्गुण इतना सब जगह छाया हुआ है कि वो हमारी सेवा में भी आ जाता है कैसे जब सेवा प्राप्त होती है तो हम कहते हैं अरे मैं क्यों करूं कोई और नहीं क्या या अभी करना ही है तो फिर मैं थक गया हूं मैं अभी बहुत बिजी हूं कोई शेयर कर सकते हैं क्या तो ये जो भावना है क्योंकि तो जब तक ज्ञान नहीं होता है कि सेवा भगवान को अपने साथ जोड़ने के लिए भगवान का हमारा संबंध दृढ़ करने के लिए प्राप्त हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब सेवा मिल रही है तो वो सेवा हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है क्योंकि इस सेवा के माध्यम से हम भगवान के साथ में बहुत दृढ़ता से जुड़ सकते हैं हमारा जब भी हमको भगवान से जुड़ता है लेकिन हम सब जानते हैं कि हम भगवान का जप करते समय कैसे सोते हैं कैसे यहाँ वहाँ मन भटकता है कैसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं एक साथ अनेक काम करते हैं जब के साथ तो ऐसे जब से भगवान के साथ दृढ़ संबंध होने के लिए बहुत समय लगेगा ले लेकिन जब सेवा प्राप्त होती है तो सेवा में मन बुद्धि शरीर इंद्रिया सब कुछ उसमें व्यस्त हो जाता है उससे एकाग्रता बढ़ती है उससे अपने आप ही ध्यान सेवा में आ जाता है और जब हम पूरी तरह से उत्साह से सेवा करते हैं तो वो सबसे बड़ी कृपा है। कहते हैं कि माया से अगर हमको बचना है जैसे हमारे मेडिकल भाषा में कहते हैं अगर माया के खिलाफ कोई वैक्सीन है वैक्सीन चाहिए आपको कि वही माया के प्रभाव से हम बचे तो माया के सामने बचने का एक ही काम है वो है सेवा सेवा करने वाले व्यक्ति को जो सेवा में व्यस्त है जो तो हृदय से सेवा में लगा हुआ है उससे माया स्पर्श नहीं कर सकती जब वो सेवा से हट जाएगा उसकी इंद्रिया सेवा से फ्री हो जाएंगी तो माया उस फ्री इंद्रियों को पकड़ती है तो जब हम सेवा करते हैं और वो सेवा निरुत्साह से करते हैं या आलस्य से करते हैं तो तभी भी हम सेवा में जो कृपा छुपी हुई है उसको खो बैठते हैं इसलिए एक तो हमें सेवा प्राप्त करने के लिए आतुर रहना चाहिए और जब आतुर रहेंगे आतुरता से सेवा प्राप्त करेंगे हमें तो फिर सेवा में आलस्य से नहीं करना चाहिए हृदय से उसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि तो जब हृदय होता है तो उससे सेवा भावी उत्साही हृदय को भगवान स्वीकार करते हैं हम कौन सी सेवा कर रहे हैं छोटी कर रहे हैं कि बड़ी कर रहे हैं ये ज्यादा भगवान को प्रभावित नहीं करती सेवा का भाव जो है वो भगवान को आकर्षित करता है तो आइए हम इस बात पर विचार करें मैं स्वयं के बारे में भी विचार कर रहा हूँ जब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि क्या मैं सारी सेवाएं जो भी करता हूँ उत्साह से करता हूँ कभी क्या कहते हैं उसको रिलकटेंस यानी नहीं करना है फिर भी करना पड़ रहा है इस भाव से कर रहा हूँ या मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सेवा मिल रही है वो तो कृपा है या मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे बहुत ज्यादा सेवा हो गई अभी कितनी सेवा करना है इतना पचास सेवा एक साथ में कैसे कर सकते हैं लेकिन जब सेवा हम उत्साह से करते हैं ना तो भगवान प्रसन्न होकर हमको और सेवा देते हैं तो जब और सेवा आती है तो हमको परेशान नहीं होने चाहिए अरे क्या है ये कितनी सेवा करना है ऐसे हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते दिन रात यही एक सेवा दो सेवा तीन सेवा पचास सेवा एक ही साथ में आ जाती है तो ये सब विचार इसलिए कर रहे हैं कि, कि हमारे अंदर वो अज्ञान है कि हम अभी तक वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सेवा हमारे ऊपर की हुई कृपा है भगवान की भगवान जब हमको बहुत चाहते हैं तो हमको वो ज्यादा सेवा देते हैं प्रभुपाद जी भी कहते हैं वॉट विल यू गेट बाई सर्विस प्रभुपाद जी कहते हैं मोर सर्विस वॉट विल यू गेट बाई चैंटिंग प्रभुपाद कहते हैं मोर तो चैंटिंग ये जब की सेवा या अन्य सेवा जो है ये हमारे ऊपर कृपा है और जब बार बार हम आपको एक, एक दूसरे को उसका स्मरण दिलाएंगे ये कृपा है हमारे ऊपर तो फिर उत्साह बढ़ेगा सेवा में सहयोग बढ़ेगा सेवा में अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ेगा और उससे कृपा प्राप्त होगी एक ही बात ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य या कोई भी भाव ऐसे स्वीकार नहीं करना है जिससे हमारी जो निहित कृपा है उससे हम वंचित हो जाए सेवा कृपा के लिए करना है कृपा प्राप्त होनी जब कृपा प्राप्त होती है तो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है आइए ये सेवा और आलस्य का जो विवाह है इसको हम तलाक दे देंगे डिवोर्स आलस्य को सेवा से हमको अलग करना है इनको घटस्फोट देना है तब ये जो सेवा है वो आलस्य के कुसंगति से जब मुक्त होगी तो वो भगवान की कृपा को आकर्षित करने में सफल होगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम, राम 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 हरे कोई किसी का प्रश्न है क्या अगर आपको लगता है कि ये आज की आज का विषय आप सबका विषय है तो अगर प्रश्न नहीं है तो इसका अर्थ होता है कि सब लोगों को अभी समझ में आया है कि भी आलस्य से सेवा करनी ही नहीं है और अगर किसी को प्रश्न नहीं दूसरा अर्थ ये भी सकता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना रहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम